इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा शरणागति संग्रह से ये गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ई दासे ऋण अपेक्षा। कभी कभी तो लगता है कि हर दिन इस भजन को गाना चाहिए। सकले सहना बल दिया करो, निज माने प्रिय हीना। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, मैं आपको बताऊं, ये जो भजन है ये आपको हमारे जो आचार्य लोग, वर्तमान आचार्य हैं, उनके जीवन में साक्षात दिखेगा। स्पेशली मैं तो हिजलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखता हूँ, ये तृणापेक्षा अतिहीन, तृण से भी अपने, किसी से भी अपने को छोटा समझने में कोई उनको समस्या नहीं हो रही। करो दासे किसके ऊपर, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हुई है। अगर किसी के ऊपर गुरु की कृपा हुई है तो ये होगा उसके साथ, क्या होगा? ऋण अपेक्षा अतिहीना। ओ गुरुदेव, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, गिव टू दिस सर्वेंट जस्ट वन ड्रॉप ऑफ मर्सी। फिर क्या है, फिर क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति के अंदर क्या क्या आएगा जब किसी के अंदर गुरु की कृपा संचारित हो जाएगी, तो क्या होगा? सबसे अपने को छोटा समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी अपने को बड़ा नहीं समझे, कभी भी कहीं भी किसी से भी अपने को बड़ा नहीं समझेगा, कभी भी कहीं भी किसी से भी, न शब्दों में ऐसा आएगा, न आचरण में ऐसा आएगा, कभी भी कहीं भी अपने को बड़ा नहीं समझेगा। और ये बड़ा समझने की भावना, जब हम ये कहते हैं देख लूंगा तुमको, बाहर मिलो देख लूंगा तुमको, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं, अरे प्रभु जी ऐसे मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती प्रभु जी, या कुछ लोग छिपाते हैं अपनी गलती ना। मान लो किसी का कुछ गुलाब जामुन रखा हुआ है, किसी भक्त ने रखा, आपने चुपके से उसको खा लिया, उन्होंने पूछा कि अरे मेरा गुलाब जामुन क्या है? मैं तो नहीं जानता प्रभु जी, मैं नहीं जानता। कहने का मतलब, मैं कभी गलती नहीं कर सकता। तो ये जो भावना है, मैं कभी अपनी गलतियों को छिपाना, ये अपने को बड़ा समझने का एक रूप है। क्यों हम अपने को बड़ा समझते हैं? वाई डू वी कंसिडर आवर सेल्फ सो ग्रेट? इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, कई बार गलतियां करता है, हमको कई बार सॉरी बोल लेना चाहिए, हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ शायद मुझसे गलती हो गई, आप सही कह रहे हो, क्या दिक्कत है? लेकिन क्योंकि हम अपने को बड़ा समझते हैं, इन कुछ लोगों से बड़ा समझते हैं, तभी हम, ये गुरु की कृपा नहीं हुई है इसका। गुरु की कृपा का मतलब है, अच्छा हम, आई मे ऑल्सो डू सम फॉल्ट, मेरे से भी गलती हुई होगी, हो सकता है मैं भी, हो सकता है मैं भी इतना श्रेष्ठ भजन नहीं कर पा रहा हूं, ये तो बड़े, हाँ ये कुछ ना वो कुछ गुण देख करके, जैसे मान लो कि अगर ऋतु माता जी मिलते हैं चारू गोपी माता जी, तो हो सकता है कि पहली बार मिले इतना जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना पता चला कि माता जी जलगांव से हैं, या कुछ भी हल्का सा भी देख लिया बस, कि माता जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मैनर्ड हैं, है ना, नहीं कितने खुले दिल से, हृदय से बात करते हैं, हृदय में कभी छल कपट कुछ नहीं है, थोड़ा भी बात किया तो कुछ ना कुछ गुण तो दिख जाते हैं, और उन गुणों की वजह से उस वैष्णव को प्रणाम है, उस वैष्णवी को प्रणाम है कि तुम्हारे अंदर ये गुण आ गया, मेरे अंदर तो ये गुण नहीं आया। तो दूसरों को अपने से बड़ा समझना चाहिए, भक्तों की भाषा में ऐसे नहीं,
अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं, चलो देख लेंगे इनसे क्या हमको, अरे भाड़ में जाए। हाँ इसमें यह भी है कि कुछ लोग थोड़ा ऑब्नॉक्शियस लोग होते हैं, वो कितना भी प्रेम करो कुछ जरा सा भी उनके अंदर जरा हृदय बहुत ही ज्यादा कठोर है, तो उनसे दूरी बनाना चाहिए, अपमान उनका भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही सरल तरीका है, न उपेक्षा करो न अपेक्षा करो। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो भी दुख होगा, किसी को बहुत ज्यादा दुत्कार दोगे तो भी दुख होगा। इसलिए ये क्या है, अगर किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो गई है तो सब लोग चाहते हैं ना कि मैं गुरु के साथ फोटो खिंचवाए, ये देख गुरुदेव का चरण पकड़ते हुए मेरी फोटो। एक बार आनंद प्रभु मुझे बोल रहे थे कि आपकी कोई गुरु के साथ फोटो नहीं है। बोला प्रभु जी ऐसा बोलने में शर्म आती है कि मैं गुरु के साथ ऐसे हूं और आप मेरी फोटो खींचो। जब भी हम गए तो हमको कोई सेवा मिल गई, टॉयलेट क्लीनिंग की, या फिर महाराज का रूम साफ करने की, या फिर महाराज के कपड़े धोने की, तो और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई सेवक रहे जो कि मेरी फोटो खींचे। स्पेशली हम किसी को सेवा दे रहे हैं, वो हमसे ज्यादा उनकी फोटो हमें खींचनी चाहिए, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जब महाराज के पास रहते तो एक व्यक्ति को कैमरा पकड़ा दे कि जब जब मैं कहीं कुछ मेन काम कर रहा हूँ किसी बड़े, मेरी फोटो खींचो। एक गाने ने तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। ये सारे लोग जो है, मतलब आप हम मॉडलिंग करने थोड़ी आए हैं, भक्ति में मॉडलिंग करने आए, तू खींच मेरी फोटो। ऐसे वैष्णवों की सेवा करने में उतनी हो सकता है रुचि ना हो, फोटो खिंचवाने में बहुत रुचि। वो कह रहे हैं कि सकल सहन बल दिया करो, और यही हमको अपने गुरु से मांगना भी चाहिए। गुरुदेव से जा करके हम ये मांगे अगर कि गुरुदेव मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, ये सब नहीं मांगना चाहिए। गुरु की कृपा क्या मांगना चाहिए, गुरु से अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सबसे क्या मांगना चाहिए, ये मांगना चाहिए कि मैं मेरे अंदर विनम्रता आए। कई बार लोग सोचते हैं प्रभु जी वो फोन करते हैं क्या बात करें, कई लोग तो ऐसे फोन करते हैं हरे कृष्णा और ठीक हो, सब ठीक है कि नहीं। अरे हम वरिष्ठ नहीं है भाई, उनसे वरिष्ठ नहीं है, तो हमको वरिष्ठ भक्तों से मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए, प्रेम से भी मुझे ऐसा, मैं सबसे मैं दीनहीन अपने को समझ पाऊं, ऐसी कृपा मैं देख पाऊं कि मैं भी गलतियां कर रहा हूं। हे भक्तों हे सारे वैष्णव मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं दूसरे लोग जब मुझे सही करने पे भी गलत कहें तो मैं सह सकूं। क्यों, क्योंकि ये सब बड़े वैष्णव हैं, मैं तो बद जीव हूं। ये अगर मुझे कितना भी बुरा करेंगे तो मुझे सहन करना चाहिए कि मैं तो एकदम गटर में गिरा हुआ व्यक्ति हूं। तो ये जो सहनशीलता की भावना अगर किसी के अंदर आती है, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को एक बार एयरपोर्ट पे किसी ने धक्का दिया, थप्पड़ लगा दिया, सारे भक्त लग गए उसको मारने के लिए। महाराज ने बोला नहीं नहीं उसको नहीं मारना। महाराज ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार एक भक्त को थप्पड़ मारा था, वो कौन थे, एक ब्रह्मचारी थे, नहीं ब्रह्मचारी नहीं थे, हाँ वो कोई ये लीडर थे यहाँ पे दिल्ली के ही लीडर थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, हाँ गृहस्थ आश्रम में थे पर लीडर थे। तो हुआ ये था कि उनको सेवा दी गई थी रथ लाने की, और इंद्रदुम्न महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, बहुत सारे, ये लगभग मतलब बात है लगभग 30 40 साल पहले की बात है, हाँ ऐसे कुछ 20 20 20 20 साल 20 साल पहले की बात। तो नया नया प्रचार दिल्ली में शुरू पड़ा, महाराज ने उनको बोला रथ लाने के लिए। अब रथ का इंतजार हो रहा है, 9 बजे से रथ यात्रा शुरू होने वाली है, बड़ी रथ यात्रा, वो रथ ही नहीं आया। रथ जाके आया शाम को 4 बजे, जब 4 बजे रथ आया तो महाराज का
अब वो भक्त की गलती नहीं थी क्योंकि ट्रैफिक इतना था, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी, इतने बड़े रथ को आप उल्टे रास्ते से लेके जा रहे हैं, बहुत सारा चीज नहीं था, वो भी बेचारे क्या करें लेकिन महाराज पहुंचे, एक थप्पड़ लगा बस उस, और कभी किसी को नहीं मारा महाराज ने, किसी ने बुरा भी किया अगर उनके साथ तो भी उस भक्त को हेल्प किया, कभी उनको कुछ बोला नहीं, कभी उनको कुछ ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरा सम्मान नहीं किया, अरे आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं, कभी भी नहीं, एक थप्पड़ केवल पूरे जीवन में एक थप्पड़ केवल मारा था, वो एक भक्त को मारा था। और उसके बाद वो जेसीसी, हाँ जेसीसी मेंबर थे यहाँ पे, जो दिल्ली मंदिर में जो जॉइंट फेस्टिवल कमेटी है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी या कुछ ऐसा है उसका, उसके मेंबर थे। ही वॉज वेरी रिच, बहुत पैसे वाले भक्त थे, और पर उनको सेवा दी गई थी तो वो गए, आप मुझे याद आ रहे थोड़ा तो। महाराज जो है तो रथ लेके आए, महाराज ने एक थप्पड़ लगा, वो इतने खुश हो गए एकदम से, आज तो कृपा मिल गई, बहुत दिन तक बताते ही रह गए, सबको बताया महाराज मुझे कृपा मिली है, महाराज ने एक थप्पड़ लगाया मुझे, और मुझे बहुत कृपा मिली है महाराज ने एक थप्पड़। इतने खुश थे वो, इतने खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। इस समय वो बहुत बड़े लीडर हैं यहाँ पे, और जितने भी बड़े मंदिर बनते हैं उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, और ही इज ए वेरी बिग बिजनेसमैन, ही इज वेरी वेरी, और इनफैक्ट सब लोग ये जानते हैं कि स्वाम के जितने भी मंदिर बनते हैं उसमें प्रभु जी का मेजर जो है वो रहता है। तो मैं कह रहा था कि वास्तविक कृपा और गुरु से मांगना क्या चाहिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा आती ही ना, सकले सहन बल दिया करो निज मानी स्प्रिहा। आप देखना चाहते हैं कि किसको गुरु की कृपा मिली है, उसको नहीं मिली है जो बहुत बड़ा माला पहन करके, बहुत उस पहन करके एकदम जा रहा है स्टेज पे खड़ा है, सब लोग सोच रहे हैं, इस भ्रम में मत रहना, स्टेज पे खड़े होने वाले कई लोग तो जबरदस्ती लाइन तोड़ के गए रहते हैं, इस भ्रम में नहीं रहना जो स्टेज पे चले गए हैं या जो मेन दिख रहे हैं शायद इनको बहुत कृपा मिली होगी, उस व्यक्ति को कृपा मिली जो झुका सा रहता। अच्छा प्रभु हाँ आप है ना, ठीक ऐसे कर लें प्रभु, ऐसे करें कि क्या आप कहें तो ऐसे कर लें जैसे आप बताएं, दैट इज द सिम्टम ऑफ अ हम्बल डिवोटी, और दैट इज द इफेक्ट ऑफ हैविंग द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल। सकल सहना, सोचो इंद्रनाथ गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कितना सहा है, बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति ने तो महाराज को बोल दिया महाराज अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको मरवा दूंगा, इतना तक बोलने वाले लोग हैं। देखो अब इस तरह से भी कोई बाहर का व्यक्ति था, उसने कुछ सरिया वरिया दान किया था, वो चाहता था कि उसी के नाम से मंदिर बने लेकिन इस्कॉन में ऐसा नहीं है, कोई भी दान करते हैं कहीं बहुत कम ही जगह पर आप देखेंगे कि जो है ऐसा लिखा हुआ है कि इन्हीं का इस्कॉन है, ये ऐसा नहीं करते, लेकिन उनका चाहते थे बहुत कुछ, और भी बहुत सारे डिमांड थे उनकी कि इतने कमरे ऐसे होना चाहिए और इन ये फंक्शन भी होने चाहिए, इन इन ये जो है दुर्गा पूजा बहुत सारी चीज, वो सब भी आप तो महाराज ने वो सारी चीजों को मना किया था, तो उन्होंने सुपारी उपारी वो ये सब जो होता है ना वो सब करने लगे, लेकिन महाराज ने सब सह करके, सब कुछ सह करते हुए मंदिर को चला दिया। इस समय बहुत बड़ा मंदिर वहां पे है और एक और उसके साथ एक और मंदिर बन रहा है लगभग 160 करोड़ का। तो ये बल गुरु से मांगना चाहिए, गुरु से ये नहीं मांगना चाहिए कि गुरु जी मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे घर में ये समस्या है, मेरी मांग कहना चाहिए, शिक्षा गुरु जो है उनको तो पर्सनली सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी, सारी चीजें कहनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब फोन ही नहीं करेंगे, क्यों फोन करेंगे भाई, कृपा के लिए ही फोन करना है तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही प्रार्थना कर लेंगे, नहीं बता करके अपनी स्थिति
ये सब कुछ एक्सप्रेस करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ सह सकूं। निज माने स्प्रिया ही, अपने मान की जो स्प्रिया है वो मेरे अंदर ना हो। अच्छा, मुझे सम्मान नहीं किया, अब देखो तुम्हारे ऊपर मेरा कहर बरपेगा। मुझे सम्मान नहीं किया, मुझे श्री श्री 1008 सनातन गौर चंद्र दास को सम्मान नहीं किया गया, अब कहर बरपेगा तुम्हारे ऊपर। अरे भाई, नहीं किया तुम्हारा सम्मान तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं किया। सम्मान करने से आपके गुण उनके अंदर आते। अच्छा हुआ आपका भजन उनको कुछ पोर्शन देना पड़ता, जब चरण छूते हैं प्रणाम करते हैं तो इनके अंदर से अच्छे गुण उनके अंदर आते हैं, अगर अच्छा ही, और इनका पुण्य उनको जाता है, अच्छा ही हुआ नहीं गया। निज माने स्प्रिया ही ना, उसकी लक्षण क्या है? निज मान स्प्रिया होने का लक्षण क्या है? बुरा लगना, अपने को इतना बड़ा व्यक्ति समझ लिया है, ऐसा लगता है जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरी आन बान और शान में एक खरोच भी अगर आई तो मैं तलवारे सुलेमानी उठा लूंगा। ऐसे नहीं, हमारा अपमान हो जो भी, लेकिन अगर किसी वैष्णव का अपमान हो जाए या कृष्ण का कोई अपमान कर दे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, कहा कि हेलो, हाँ जी, मुझे संन्यास लेना है तो आप मेरी मेरा संन्यास करा दीजिए, है ना, इस्कॉन में। मैंने बोला देखिए भाई, इस्कॉन में तो बहुत नियम है, कम से कम 15 साल ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है, संन्यास आसान नहीं होता। पहले 5 साल आपको सारे वेगों में टेस्ट होगा, इंद्रिय संयम है कि नहीं टेस्ट होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है कि नहीं टेस्ट होगा। फिर अगर उस 5 साल में आपका कुछ भी नियम टूट जाता है तो फिर से कोई, अगर एक बार भी गुस्सा आ जाए या कुछ आ जाए तो फिर से ड्यूरेशन बढ़ जाती है, और सारी जगह से रिपोर्ट ली जाती है, आपका ट्रैवलिंग का प्रीचिंग होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड, ये सारी चीजें मैंने बताया, बहुत सारे नियम रहते हैं। बोले नहीं, मुझे संन्यास दे दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं, ये सब मेरा सब हो जाएगा, और मुझे तो सब लोग दे रहे थे संन्यास, वहां मैं शंकर शंकराचार्य के वहां पे गया था, वो लोग दे रहे थे, मैंने लिया नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने कहा चलो कभी भी ले लेंगे संन्यास को, ऐसे बोलते थे। फिर उन्होंने कुछ दिन देर मैंने बात की, मैंने बोला कि देखिए फिर भी मैं नहीं कर सकता इस तरह से। कुछ देर बात करते करते वो बोल रहे हैं कि आपके तो चैतन्य महाप्रभु ही गलत है, कुछ भी उनका खुद का ही आचरण ठीक नहीं था। अरे इतने देर से मैं विनम्र था, मैं बहुत विनम्रता से बात कर रहा था, तो सोच रहा था कि चलो ठीक है, कोई मिसगाइडेड व्यक्ति है जो कि आ रहा है संन्यास ऐसे लेने के लिए। वो क्या है, कथाकार है बहुत बड़े, और आचार्य ऐसे करके उनका नाम है, बहुत फेमस है, सारे जगह पे जाते हैं कि भाई कथाकार करने के लिए। वो बोलते हैं मुझे कि चैतन्य महाप्रभु तो आपके, उनका भी ठीक नहीं था ये आचरण वगैरह, जैसे ही उन्होंने बोला मुझे इतनी गुस्सा आया। मैंने कहा कि भाई आप, चलो ठीक है, आप सबको आप बोल, आप ये बोल रहे थे ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, अरे भगवान को ही गाली देना शुरू कर दो। तो निज माने स्प्रिया हीना तो होना चाहिए, अपने मेरा कोई अपमान करे, मेरा कोई कुछ भी करे तो उसके लिए आज के उसके लिए भक्त जो है ज्यादा प्रयास नहीं करता अपने सम्मान के लिए। लेकिन अगर आपको मन में लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, इसको मन में कुढ़ते नहीं रहना चाहिए। इसीलिए भक्त, कोई भक्त होना चाहिए जिसको आप सब कुछ लिख करके, बोल करके, व्हाट्सएप रिकॉर्ड करके सब कुछ बता दें मन में, इसका मतलब ये नहीं, सकल सहन करने का मतलब, जब आपको वो शक्ति मिलेगी तो सहने के बाद आपके मन में एक बार भी विचार नहीं आएगा कि मैंने सहा है। निज मान की स्पृहा अगर खत्म हो जाएगी, तो अगर सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो आपको कुछ फीलिंग ही नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं होगा, तब समझना चाहिए कि हाँ निज मान स्पृहा चली गई। लेकिन अगर अभी हमारे अंदर है ऐसी, सब कुछ सहन नहीं कर पा रहे, अपने मान की स्पृहा अभी है, तो क्या करना चाहिए? अभी कम से कम फिजिकल लेवल पे मान के लिए नहीं प्रयास करना चाहिए, और अपने हृदय को, अपने जो शिक्षा गुरु हैं या अपने जो गाइड हैं
उनको व्यक्त करना चाहिए। तो प्रभु जी मेरे अंदर ये था उस समय, मैं सह नहीं कर पाया। उन्होंने जब ऐसे बोला, वो माता जी, एक माता जी मैं जानता हूँ, जब उनको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मुझे फोन करते हैं, और मैं कभी कभी बिजी भी रहता हूँ, लेकिन वो दो तीन फोन करके फिर ले ही देंगे। एक माता जी, मैं उनकी आदत है कि वो जब, वैसे तो जल्दी फोन नहीं करते, मैंने देखा है कि, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी तो फिर 10-15 कॉल एक साथ, मैं समझ जाऊंगा कि कुछ इमरजेंसी है। वो खुद ही बोल रहे थे एक दूसरे भक्त को कि प्रभु माता जी मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ, प्रभु जी के उठाना ही पड़ता है फोन, तो ये ठीक है क्यों? एक बात तो कह देना जरूरी है। उनके परिवार में कुछ क्लेश चल रहा था, एक व्यक्ति को कह देना बहुत जरूरी है। मन में कुढ़ते नहीं रहना चाहिए कि अरे, या हो सकता है कि अच्छा पर्सपेक्टिव वो दे दे। इसीलिए काउंसलर इज ए फ्रेंड, फ्रेंड फिलोसफर एंड ए गाइड। तो आपके दोस्त भी हैं किस लिए? कुछ शेयर करने के लिए, मतलब सुख दुख सब शेयर करने के लिए, फिलोसफर उसमें सही पर्सपेक्टिव देने के लिए, और गाइड कभी कुछ ना समझ में आए तो रास्ता दिखाना। तो ये अभी एक ही पैराग्राफ हमने आज चर्चा किया, सकल सहाने बल दिया करो। ये गुरुदेव के, आप देखोगे जिसके ऊपर कृपा होगी, प्रभुपाद जी की कृपा इनके शिष्यों के ऊपर हुई होगी, तो ये होगा उनके अंदर, है ना। सकल सम्मान परिते शकति देहो नाथ जथा जथा, तब तो गाई वो हर नाम सुखे अपराध हते हता। तो कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। किस प्रकार से? सबको सम्मान देकर, जितना जिसको चाहिए यथा यथ उसको सम्मान देकर वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी वैष्णव का अपमान कर रहा हूं, वैष्णवों से बात कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करें तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। जब इस तरह से आपसे अपराध नहीं होगा ना किसी भी वैष्णव के प्रति, हमको सोचना चाहिए। मान लो कुछ हुआ तो हमको सोचना चाहिए किन लोगों को बुरा लग सकता है, अच्छा कौन कौन इसमें वो है, इन लोगों को भी बुरा लग सकता है, इनको भी लग सकता है, ऐसा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब कह करके स्थिति को संभालते हुए किसी को बुरा ना लगे। कबे हेनो कृपा लभी आए जान कृतार्थ होई बे नाथ, शक्ति बुद्धि हीन आमी अति दीन करो मोरे आत्म सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण नाथ। तो अपने गुरुदेव से कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है हे गुरुदेव, लेकिन मुझे यही वाली हेनो मतलब ये वाली कृपा चाहिए गुरुदेव। हाँ लोग लगे हुए हैं, बाकी बहुत बड़ी रेस है, उस रेस में लोग जाना चाहते हैं, कहीं कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे अंदर तो कोई शक्ति बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए। क्या क्या चीज? ये कृपा प्रदान कीजिए मैं ये हो पाऊं। तेरा भिक्षा आती ही सकल सहन शक्ति और निज मान स्पृहाहीनता और सकल सम्मान करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और उसके बाद भी उनको पूरा सम्मान देने की शक्ति। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने सह लिया, वो तो ठीक है, उसके बाद भी जब मैंने, अरे थैंक यू सो मच, आप आए, आप बहुत अच्छा लगा। आप वही सोचेगा, कह रहे मैं इसके साथ इतना बुरा करता जा रहा, ये व्यक्ति फिर भी, दिस इज द मर्सी विच वी शुड आस्क फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। बाकी जो मिलता है लोगों को लगता है अरे प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी, 18 साल से हैं, अच्छा 18 साल से, अच्छा तो क्या उनके अंदर ये विनम्रता आई, तब सहने की शक्ति आई, अपने मान की स्पृहाहीनता आई, सबको सम्मान करने की शक्ति हो पाई, है ना, जितना जिसको आवश्यकता है उतना सम्मान दे पाए। तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध देहता। इससे क्या होगा? अपराध सब खत्म हो जाएंगे आपके, अगर ये चार गुण आ गए।
सारे अपराध तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा, हरि नाम में बहुत सुख आने लगे, बहुत टेस्टी लगेगी जब हरे कृष्णा बोल के ना, बहुत अच्छा लगता। पर इतना करना पड़ेगा, किसी को भी आपसे भी अपने को बड़ा नहीं समझना, उन्हीं को ठीक है। अच्छा आप बड़े, मैं छोटा, मैं आप ही बड़े, ये जो है हमारे अंदर आना चाहिए। तो गुरुदेव से क्या मांगना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। आज वो माता जी ने मुझे ऐसे कहा प्रभु जी, फिर ऐसे हुआ, फिर मेरे हृदय में ऐसे चल रहा था, मेरी मम्मी ने भी ऐसे बोला प्रभु जी, मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे कहा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरा होना चाहिए। सारा कुछ कहने के बाद ये नहीं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व वो कुछ कहेंगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैं अपना हृदय शुद्ध रख पाऊँ, किसी के अंदर द्वेष न रखूँ, किसी के प्रति मैं कोई जलन ना हो, इसलिए मेरे को कृपा कीजिए। सकल सहने करिते, सकल सम्मान करिते सकती देखो नाथ, हे नाथ मुझे ये सकती। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड वत प्रणाम प्रभु जी। जो कुछ हैं। गलत हाँ होता है मेरे साथ प्रभु, पूजा करते में मेरे मन में सोच क्यों आ जाता है प्रभु, फिर मैं मन हटाती हूँ वहां से, तो मतलब मैं यही मैंने कहती बताया कि जब अगर कोई चीज आपको हो रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं करना है सहने का मतलब बस चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं, कहना है किसी एक व्यक्ति को, किसको, अपने गाइड को कहना है कि प्रभु जी मैंने अपने इस बेटे की या जो भी हमें उनकी इतनी सेवा की, इतना कुछ किया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव, लेकिन प्रभु जी मुझे शक्ति देना, मैं फिर भी अपना आचरण न बदलू, मैं कुछ करूं ना गलत, शक्ति दीजिएगा मैं सहन कर सकूं, क्योंकि साथ में भजन करना है, ये गुरुदेव देंगे, है ना। नहीं ठीक प्रभु है ना, जी मुझे, किरण माता, प्रभु जी मुझ पर कृपा करो, कहीं मेरे मेरे मन में सोच आ जाता है, मुझे मेरा इतना जी घबरा जाता है प्रभु, कुछ हाँ, तो पूछो प्रभु इसीलिए कभी भी जी। भर भर के रखना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं ना, उनके घर में भी प्रॉब्लम हो रही है, सब जगह प्रॉब्लम हो रही है, सारा कुछ चल रहा है, पर वो भरते रहते भरते रहते, हृदय में भरते रहते, अरे बेटी भी प्रॉब्लम कर रही, बेटा भी प्रॉब्लम कर रहा है, पत्नी से भी प्रॉब्लम हो रही है, और कंपनी में भी नौकरी वाले भी परेशान कर रहे, सब कुछ चल रहा है, वो लोग क्या करते रहते, हार्ट में भरते रहते, क्या कहें क्या बोले, उड़ते रहते कुड़ते रहते कुड़ते रहते कुड़ते रहते, किसी दिन एक छोटी सी गलती पर बहुत फट जाते, वो नहीं करना चाहिए। बुरा लगा आपको, कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी चल रही है ना, थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी चल रही है कि प्रभु जी पैसे की बहुत दिक्कत हो गई, तो सैलरी तो अच्छी है लेकिन 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन सारे पैसे प्रभु जी खर्च हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी कैसे, तो पूरा का पूरा खर्च हो जा रहा है, तो क्या करें, आप कृपा करिए प्रभु जी, मैं अपने इन सब चीजों को भी अच्छे से मैनेज करके भगवान की सेवा कर पाऊँ, भगवान गोपाल जी की भी सेवा कर पाऊँ, ऐसा तो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। कुड़ते नहीं रहना चाहिए, कुड़ कुड़ के जी रहे, मन में ही बड़े पड़े हैं, टॉर्चर हो रहा है। एक माता जी का मैं पुणे में लेक्चर दे रहा था, वहां के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है लाइफ नंबर से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। हाँ, तो उनके घर जो काम वाली थी उसने कहा कि प्रभु जी, अब उनके यहाँ काम वाली भी बहुत मतलब पॉश वैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा पति आता है उसको ऐसा बहुत है, तो बस शराब पीना ये करना और मुझे मारता है बहुत, क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, दिल में छिपा छिपा करके रखेंगे, किसी को कहेंगे नहीं, अरे एक दिन ये दिल फट जाएगा, क्या करना चाहिए, बोल देना चाहिए प्रभु जी मुझे शक्ति देना, हे भगवान मुझे शक्ति देना, ठीक है, हे प्रभु, एक्सप्रेस कर देना चाहिए, दिल में कुड़ते नहीं, ठीक है ना किरण माता जी।
अलग से मुझसे बात कर सकते हैं, यहाँ पब्लिकली थोड़ा सा मन बताने में भी हिचक होती है। कई बार किसी किसी को अपने ही वाइफ से ही दिक्कत होती है, किसी को अपने ही बच्चे से दिक्कत होती है, सबके सामने बताने में शर्म आती है। तो भी कोई बात नहीं, अकेले में बता लेना चाहिए। मैंने तो कई बार डॉक्टर को बोला भी, आप कॉल कर सकते हैं, इवनिंग में कॉल कर सकते हैं, दोपहर में 11 बजे के बाद भी कॉल कर सकते हैं, प्रभु जी, 11 से 1। प्रभु जी आप जब वृंदावन में मिलेंगे ना, तब प्रभु जी मैं थोड़ी सी बात बताऊंगी प्रभु जी आपको। प्रभु जी आप मुझ पर कृपा करें, कृपा करें प्रभु जी, मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा करो कि मुझे, मैं बस मेरे प्रभु सोच रहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, वो मुझे मिल रहा है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे पूर्व जन्म के कर्म होंगे वो, लेकिन सहने की भगवान मुझे शक्ति दें, सहने की शक्ति दें। ठीक है, भगवान कृपा करेंगे। एक दिन जब ये कह देते हैं ना अम्मा जी, उसी समय से, इसीलिए वैष्णवों के समक्ष एक्सप्रेस करना चाहिए, हमारे अंदर बड़ा बनने की भावना जो भी हमारे अंदर आ रही है वैष्णवों को बता देना चाहिए, किसी एक वैष्णव को बता देना। अगर हमारे गाइड हो तो हमें गाइड कर रहे हैं और रेगुलर कुछ हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं हो तो हमको एक्सप्रेस कर देना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे, मेरी बता देना चाहिए, तो मन की सिक्योरिटी सारी वैष्णवों के माध्यम से भगवान के पास पहुंच जाती है। और हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आधी समस्या समाप्त हो, बस किसी प्रभु जी, प्रभु से जी वृंदावन एक्सप्रेस कर। में मिलूंगी तब कहूंगी प्रभु मैं आपसे, प्रभु जी ठीक हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो अभी 1 मिनट बचा है, और किसी को कोई प्रश्न पूछ, 1-2 मिनट हमारे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, या हाँ माता जी, यस प्लीज, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी आज से ही हमारा थर्ड मार्च शुरू हो रहा है ना, हाँ हाँ सर, शुरू हो रहा है, यस आज सर, से है ना? हाँ आज से, कल ही से, पूर्णिमा से अगर संकल्प अगर किया होता है तो अश्विन महीना तो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन पूर्णिमा पूर्णिमा से हम लोगों ने संकल्प किया था ना स्टार्टिंग में, तो जो जी लोगों ने जी पूर्णिमा से संकल्प किया था उन लोग के लिए कल ही से शुरू हो गया। अगर आपने खा लिया कल से दूध तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, किया आज कल, कल खाया से नहीं कुछ भी, इसलिए पूछ रही थी मैंने कि हमने कल से शुरू कर दिया, तो आज से है कि कल से ये कंफर्म कर रहे थे? वैसे कल से हाँ किया था हमने, आपने बताया था ना। हाँ ठीक है, और जो लोग पूर्णिमा से संकल्प करते हैं, क्योंकि इस्कॉन में पूर्णिमा पूर्णिमा से माना जाता है, इसीलिए वो लोग करते हैं। कई जगहों पर पोस्टर्स में आज से लिखा हुआ है, क्योंकि अश्विन महीना आज से शुरू हो रहा है, आज ही से शुरू हो रहा है, इस वजह से वो आज से प्रभु जी कर रहे भगवत हैं। गीता जो आप कह तो रहे थे भगवत गीता स्टार्ट आप करेंगे वो आज से, ये कैसे, ये कर चुके हैं आप भगवत गीता? एक छोटी सी क्लास में लेता हूँ भगवत गीता की, इसलिए कि वो देहात में बुद्धि वाला भी बहुत ज्यादा रहता है, अभी भी हम भगवत गीता पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और हमारे आचार्य लोग ये चाहते हैं कि हमारे दिन भगवत गीता पढ़ना पड़ा, तो इसलिए मैंने सुबह 6:30 से 6:45 में अभी शुरू किया है। बहुत ही अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर है भगवत गीता, सच में कितना जी, विश्वास होता है भगवत गीता के पढ़। आजकल शुरू किया है ओके 6:30 से, तो 1 घंटा हमारा रीडिंग टाइम ये रहता है, हम अपना स्पिरिचुअल बिताते हैं, और वैष्णव भजनों को 6:30 से लेकर 7:30 तक अपना स्पिरिचुअल करते, फिर 7:30 से आप चाहें तो अपना ऑफिस है जो भी है वो सब कर सकते हैं। मान लो जो सुबह जल्दी नहीं आ सकते वो 7 बजे से 7:45 बजे से ध्यान कर सकते हैं। हर दिन ये जो छोटा छोटा श्रवण है ना, थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा सा सुनना, ये बहुत प्रभावशाली है। मैंने इसको करके देखा है, लगभग 7-8 साल हर दिन 40 मिनट ही सुनते थे, उसको डिस्कशन करते थे, एंड इट वॉज सो बेनिफिशियल, इट वॉज सो बेनिफिशियल, ये बहुत थैंक यू अच्छा प्रभु, रहता थैंक है। यू प्रभु जी। एंड प्रभु जी कुछ लोग कह रहे थे, एक दो लोग, कि वो ग्रुप में आने के लिए मतलब ज्वाइन करने का जो आप तो मैं बता रहे थे ना आपको, कार्तिक में, तो उनको साथ में बता सकते हैं लेके, मतलब जो हम आ रहे हैं क्लास में, नहीं आ रहे वो भी आ सकते हैं क्या? वृंदावन यात्रा में बोल रहे हैं, हाँ हाँ यस हाँ, तो सब लोग आ सकते हैं, कोई भी, वो तो बस वो फॉर्म में भर दीजिए, वो लोग डेटा ले लेंगे आपसे, फॉर्म जो है ना उसका, फॉर्म में बोल सकते हैं, जितने भी लोग आना चाहे आ सकते हैं, कोई यात्रा में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है।
हरे कृष्णा सर, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है। अच्छा ये वृंदावनी, अच्छा सौम्या माता, सौम्य किशोरी माता जी, वृंदावनी बिरादर माता जी, बोलिए कृष्णा माता जी। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तबीयत खराब थी, 4-5 दिन माला नहीं करी प्रभु जी, अच्छा पचम्पा बिल्कुल माता नहीं जी। कर पाए, हाँ नहीं कर पाए। अच्छा प्रभु जी, चंपा बहुत बिरादर तबीयत माता, खराब थी। बिरादर माता। हाँ चंपा बिरादर माता जी बहुत खराब थी प्रभु जी, तबीयत 4-5 दिन नहीं करी प्रभु जी। चलो अभी तो ये हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं होना चाहिए नहीं ना। कि आप चाहिए। जैसे मान लो तबीयत अगर खराब हो भी रही, कुछ ऐसा करे कि अगर अगर बिल्कुल बेड रिडन है तो बिल्कुल अलग बात है, अलग बात नहीं तो है ना तो, है ना। हाँ म्यूट प्रभु जी, हाँ म्यूट 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 कर लीजिए, म्यूट कर क्योंकि लीजिए आपका क्योंकि आवाज आपका आवाज, रिपीट होगी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी मुझे फिर उसी भी समय मुझे उसी कॉल समय करना कॉल चाहिए था करना ना। चाहिए। ठीक है, बहुत तबीयत खराब थी प्रभु जी, इसलिए नहीं करी प्रभु जी 4-5 दिन। अभी भी वह तबीयत हाँ खराब अभी इच्छा है, लेकिन इसलिए थोड़ा दीक्षा थोड़ा के लिए आप लोग का सुबह नाम जा रहा है ना। का तो नाम जा रहा है ना। हाँ प्रभु जी, वो तबीयत खराब है ना प्रभु जी, इसलिए नहीं करें। इसीलिए अब देख लो, आप इसलिए गैप मत करो, महाराज महाराज इंटरव्यू में पूछेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना इंटरव्यू में थोड़ा सा। पूछेंगे। हाँ वो तो, हाँ प्रभु जी, वो तो इसलिए ना पूछ रही हूँ ना प्रभु जी, तो आपको ठीक है, बाकी ठीक है। सब भक्त बाकी भी सब दीक्षा की भक्त प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, सब भक्तों को जिनकी दीक्षा नहीं हुई है। अब इस बार सभी की मैंने महाराज से भी बात किया, मैं तो सभी महाराज से डिस्कस कर किया है मैंने, जिससे भी ले सकते हैं, है ना। पर यह है कि जो सबको तैयारी, अब जो है नियम ना तोड़िए, है ना। नहीं क्योंकि अब तो ये है कि जैसे विचित्र कृष्ण प्रभु जब वो बात थी तो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन अभी तो ये है कि सभी लोग ओपन हैं देने के लिए, सभी महाराज लोग भी, क्योंकि सबको पता है कि महाराज अब नहीं है। तो यहाँ पे गुरु प्रसाद महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, सभी लोग, और जयप्रदा महाराज, और हमारे भक्ति आश्रम महाराज, और बहुत सभी महाराज लोग यहाँ पर अभी सब जगह सब रेडी हैं। तो आप जो है अब जो है दीक्षा हो जानी चाहिए। अब जैसे दीपक प्रभु है ना, बहुत समय हो गया, तो अब कुछ करो कि नियम नहीं टूटे, कोई भी हल्का सा भी। और दीक्षा चंपा बिरा माता जी आपका भी हो जाना चाहिए। अब ये आशा ठीक आर्या माता जी, अनीता कमल माता जी, अब सबका दीक्षा होना चाहिए आप लोग का। अब सब लोग बहुत समय हो गया है, सुनीता माता जी भी बहुत समय हो गया है, तो सबका दीक्षा इस बार सबका दीक्षा करवाना है ना। क्योंकि बहुत लेट हो रहा है ना, तो कुछ भरोसा नहीं, लाइफ का भी क्या है वो नहीं। तो अभी सबको जो है ना, सुनील प्रो का भी बहुत समय हो गया, अभी सबका दीक्षा होना चाहिए। सुशीला हरे माता जी को भी अब कृष्ण, हो गया काफी समय, तो अब इनका भी दीक्षा सबका होना चाहिए। दीक्षा को ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब लता मोरे माता जी भी बहुत समय हो गया ना, लता मोरे माता जी आपको, है ना। आओ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ तो लता ये जो मोरे अब प्रभु ठीक जी, है, ठीक है, तो हरे कृष्णा आप प्रभु लोग ना जी, ये, हाँ माता जी बोलिए। हाँ आओ प्रभु जी, मेरा कितना होना है दीक्षा प्रभु जी। हाँ हरे तो ये कृष्णा ना, प्रभु जी, हमारे लिए प्रार्थना करिए। नहीं, इस बार सभी को, क्योंकि ना अभी नहीं, बहुत आपकी समय से प्रार्थना आप से लोग जब का, भी स्वीकार करेंगे गुरु लोग, हाँ नहीं, आपकी आप कृपा जो क्या है बनाए ना, ये रखिए। अभी इस बार सभी का कर देंगे दीक्षा, सबको बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लोगों ने इसको बहुत बड़ा हवा बना दिया, दीक्षा दीक्षा मतलब, अरे भक्ति शुरुआत है दीक्षा, इसको इतना ज्यादा इसको हाइप क्रिएट कर दिया, और लोग जो फिर इसमें लोग सोचते हैं कि दीक्षा हो गई मतलब मैं सीनियर डिवोटी हो गया, अब मुझे कोई क्लास नहीं अटेंड करनी, किसी के गाइडेंस में नहीं रहना। ये नहीं है, एडमिशन हो गया ना, दीक्षा मतलब इनिशिएशन है, इट इज एन एडमिशन इन द स्कूल, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। इनिशिएशन मतलब शुरुआत हुई है, अब भजन क्रिया होगी, अब किसी साधु से, कोई साधु आपको अपने हक से डांट पाएगा कि भाई इसने दीक्षा ली मतलब ये कमिटमेंट लिया था,
इसलिए अब हम डांट सकते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे मत करो, भौतिकतावादी में जीवन नहीं बिता। तो अब भजन क्रिया शुरू होगी। लोगों ने इसको ना इतना ज्यादा कह रहे दीक्षित भक्त। दीक्षित भक्त मतलब क्या है? दीक्षित भक्त मतलब 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, और क्या यही किया उन्होंने कि बस अब ये पक्के से करेंगे। अब उनका भजन क्रिया शुरू हुआ। अब जहां भी मिले वहां श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अब ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, माला को लेके घिसना। लोगों ने इसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया। समटाइम्स द टेम्पल प्रेसिडेंट्स आल्सो हैव मेड इट सो बिग, यू नो, इनिशिएशन। तो क्या फिर? अरे एडमिशन होना है बच्चों का, स्कूल में एडमिशन हो रहा है बच्चों का। शास्त्र में क्या है? यही लिखा हुआ है भाई, हरिनाम दीक्षा इज दिस, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। और इसको बहुत डीले नहीं करना चाहिए। जो भी लोग दीक्षा के रेड तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, अब जैसे मैं देख रहा हूँ दीपक प्रभु का बहुत समय हो गया। दिस इज सच में मैं बता रहा हूँ दीपक प्रभु, ये बहुत गलत हो रहा है। इतना साल नहीं होना चाहिए आपको। जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे याद है, तब से उससे पहले से भजन कर रहे हैं 32 माला। तो अब बहुत, चलो कुछ तो ये भी रहा कि यहाँ पे भी बहुत हर बार नाम जाता था, आईडीसी कोर्स वगैरह हो गया है, लेकिन अब जो है डिले नहीं करना। किसी को भी ये नहीं है ना कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ या मेरे से नियम टूट जा रहा है। क्यों टूट रहा है भाई नियम? कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे जाएंगे ये चीज नहीं खाना चाहिए, प्याज खा ले रहे हैं हल्का सा। अरे कुछ नियम होना चाहिए ना। आप तैयार तैयार करो अपने को, 20-30 साल और जिंदगी का बचा है, और उसमें हम ये सारा सोच रहे हैं कि प्रभु बीस जी, तीस साल ध्यान और पूर्वक तुम्हारे। माला करना चाहिए हाँ पहले। मेन, हरे कृष्ण प्रभु वो तो जी, हरे कृष्ण। मेन हाँ तो ध्यान पूर्वक माला करना चाहिए, ध्यान पूर्वक, तो ही आगे बढ़ सकते ना। ध्यान पूर्वक माला, अगर 16 माला हो गए तो ही अपन आगे बढ़ सकते। नहीं तो एक माला करे उससे बात करे, एक माला करे उससे बात करे, और माला कब करना है, कब नहीं करना है, दिन भर माला करते रहे, तो आगे कैसा बढ़ सकते, वो भी चलो सोचना चाहिए ना। जो लोग अभी इस स्तर के नहीं है उनको नहीं, धीरे धीरे सबको आना चाहिए। पर जैसे कई बार हम क्या होता है कि हम अपने घर पे देखते हैं कुछ लोग दिन भर माला कर रहे हैं, वो नहीं वो कर, उनका कोई कुछ कहिए नहीं है उनको, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ ना तो सब लोग उसको उस तरह से दृष्टि से लेते हैं। लेकिन अगर आप उसी घर में रह रहे हैं, आप उनको कह देंगे कि अरे क्या तुम ऐसे कर रहे, तो वो उस दृष्टि से आपको देखते नहीं ना, फैमिली में उस दृष्टि से देखते नहीं। तो ठीक है, मतलब थोड़ा समझना चाहिए ये चीज को ना। मैं इस बार महाराज से मेरी बात हुई है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि आप सब लोग जो है इसको सीरियसली लीजिए, है ना। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। और किसी को तो कुछ पूछना नहीं? अच्छा सुनीता माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सुनीता माता जी, यू हरे वॉन्ट टू कृष्ण से? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, दोनों। मैंने ऐसे तो 2 महीने ही अच्छे से नियम पालन किया था, मतलब अवॉइड किया था, लेकिन अभी ये दूध का जो आज आपने बताया ना, तो ये हाँ, दूध थोड़ा तो मेरे को कंपलसरी है मेडिसिन के साथ लेना, तो क्या करूँ मैं? हल्दी डाल के थोड़ा हाँ पका लीजिएगा, हल्दी डाल के। ये हाँ बस उसी के लिए बता रहा हूँ जो कंपलसरी है, जिनको दूध पीना केवल हाँ कंपलसरी है उनके लिए। मेरे हाँ लिए। हाँ तो हल्दी थोड़ा सा डालिए, उसको अच्छे से पका लीजिए। और अच्छा, थोड़ा हल्का शुगर डाल के, या कुछ, अगर शुगर तो नहीं डाल सकते आप, लेकिन अपना थोड़ा इलायची डाल दिया या कुछ, उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया, हल्दी वगैरह डाल करके फिर आप ले सकते हैं। लेकिन ये केवल ऑप्शनल आपके लिए है, सब लोगों को इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब चलो हो गया, प्रभु जी ने बता दिया है, बढ़िया है, हल्दी डाल के पियो, क्या नहीं प्रभु जी, लास्ट ईयर तो है। फॉलो किया था, अभी क्या है, दवा मेडिसिन्स है ना, तो लेना हाँ जी कंपलसरी है इसके लिए, और कुछ नहीं। जी ठीक है ठीक हाँ हरे है ठीक कृष्ण, है ठीक है, कोई दंडवत बात प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु, नमस्कार। ठीक थैंक यू प्रभु जी। है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हरे हरे कृष्ण। कृष्ण श्रील प्रभु जी, प्रभुपाद दंडवत की जय। प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
प्रणाम माता जी प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु दंड जी माता प्रणाम। जी सभी को दंडवत थैंक प्रणाम। यू।